देखिए सबसे पहले आप देखिए ओएमआर सीट भरने के लिए आप लोग भरे हैं कि नहीं भरे हैं? ओएमआर सीट नहीं भरे हैं लोग? आपको सबसे पहले एग्जाम आपको देना है तो आप ओएमआर सीट के सबसे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको बेस्ट आपको मिलेगा क्या सीट? ओएमआर सीट मिलेगा। अच्छा तरह से आपको ओएमआर सीट मिलेगा तो ओएमआर सीट को पहले भरना अच्छा तरह से। आपको ये जो आप टिक लगा रहे हैं वो सब चीज अलग है, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भरना अच्छा से पड़ेगा। अगर अच्छा से नहीं भराता है तो समझिए क्या होगा, आपका सब गलत हो जाएगा, किया हुआ सब क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये जो आपके क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपके है और वहां पर आपने भरे हैं, जिसको इसका आपको भरा है ना, ये आपको भरते समय तो खैर ठीक है आप ये भरिएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भरना पड़ेगा, ये पूरे जो डिटेल्स है इसको आपको भरना पड़ेगा। और सेम इसी तरह से आपको बोर्ड में मिलेगा, सेम जो यही है आपका इसी तरह से आपका बोर्ड में मिलेगा। तो आपको किस तरह से भरना है देखिए, एक में आपके पास आ गया यहाँ पर कि रोल नंबर भरना है, जैसे किसी आपके स्कूल का रोल नंबर होगा, आपके पास एडमिट कार्ड मिलेगा ना, तो एडमिट कार्ड पर देखिएगा रोल नंबर होगा। ऐसे आपको प्रैक्टिकल का आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा ना, तो उसका भी रोल नंबर आप डाल के दे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रोल नंबर है तो रोल नंबर किस तरह से भरेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सब लोग आप लोग भरे भरे ना, जैसे दिखाइए कोई, ये देखिए जैसे ये भरे है ना, तो ये आपने डबल डबल देखिए आप चला दिए ना, ये गलत हो गया है, ये आप भाग भूक दिए हैं, इसका मतलब आपका रिजेक्ट हो जाएगा। भागना नहीं है, देखिए आप डबल डबल चलाए ना, ये पहले ही आपका गलत है, ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका, वहां पर एग्जाम में तुरंत रिजल्ट होगा। देखिए आपका ये देखिए ये भरे हैं, आप छोटा में इसको बड़ा में ही लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है। ये देखिए भाग भूक नहीं किए, यानी ये आपका ये जितने जीरो है ये आपने जीरो डाले, लेकिन आपने यहाँ पर गलत कर दिया, दिखाई दे रहा है ना आपको सब लोग को, ये गलत किए हैं। अब जीरो भरना है तो एक ही लाइन में सब भर दीजिएगा, है मैं जीरो कहाँ बा है, मैं एक को जीरो हुए बात, चार को जीरो कहाँ से आ गया। है साइड वाला रोल कर, ये आपका पहले ही गलत हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एको नंबर मिलने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए ये जीरो भरे ठीक है, लेकिन ये देखिए ऊपर भाग भूक दिए ना, ये नंबर कट जाएगा, आपको एको नंबर मिलने वाला नहीं है, एको नंबर नहीं। देखिए ये जो भरे हैं ये करेक्ट भरे हैं, ये सही भरे हैं। अब देखिए ये जीरो जितना है ना आपका, लेकिन एक गो लाइन में दो कैसे भराएगा, एक गो लाइन में दो को नहीं भराएगा, इसलिए आपका भी गलती है। लीजिए अब देखिए यहाँ पर ये तो भरबे नहीं किए, ये देखिए आप लोग बात मत करिए, देखिए आप ध्यान दीजिए ये क्या किए, भरबे नहीं किए। अब इसमें आपको भरना है, फिर इसमें भी भरना है, तो ये तो खैर जीरो जीरो ये लाइन आपका सही भरे हैं, लेकिन ये नहीं भरे हैं, बाकी सब आपका है। देखिए काट कूट के ये तो पहले ही इसका रिजेक्ट हो जाएगा, ये नहीं नंबर आएगा, फेल हो जाएगा फिर आपके। तो सबको नहीं भरने आते, आप ही गलत नहीं करते हैं, ये लगभग लोग गलत करता है, ये गलती सिर्फ आप ही का नहीं है कि हम ही गलती कर दे रहे हैं, दिक्कत है, ये लगभग जितने भी विद्यार्थी 10th क्लास के सभी गलती करते हैं, क्योंकि उनको भरने का प्रैक्टिस नहीं रहता है और जानते नहीं है, सब चीज पता है उसको, सब चीज पता है, लेकिन ये पता नहीं रहता कैसा भरा जाएगा, जिसके कारण उसका नंबर कट जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसको आप अच्छा से नहीं भरिएगा तो आप इधर उधर भर दीजिएगा, स्कैन होगा या फिर जो जांच करने वाला उसको समझ में आना चाहिए ना कि आपने किस तरह से भरे हुए, नहीं अगर अच्छा से भरने आएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, अरे समझे ना। तो इसलिए सबसे पहले ओमार सीट को भरेंगे तो अच्छी तरह से भरेंगे, बाकी मेरे पास जो क्वेश्चन है और बनाएंगे तो अलग चीज है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका मॉडल सेट रहेगा, मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट जो होता है प्रैक्टिस सेट आएगा, पूरा हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल देखेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये भरने के लिए तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ना, ये अगर भरने नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका नंबर सीधे कट जाएगा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए। तो आपका अगर भरने नहीं आएगा, दिखाई दे रहा है ना, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, तो अगर देखिए आपने भरे हैं इसमें, जिसे आपने जीरो जीरो डाले ठीक है, आपका रोल नंबर जीरो जीरो यहाँ पर दिया है, तो ये जो भरे हैं आप काट कूट किए हैं, तो ये तो आपका रिजेक्ट हो गया। अब काट कूट किए हैं गलत है कि सही है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, इसलिए आपका रिजेक्ट हो जाएगा। करेक्ट भरना होगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर इससे भी आपको समझ में आ रही, दिखाई दे रहे हैं आपको, इससे समझ में आ रहा है ये आपने बहुत गलत कर दिए ठीक है। कुछ लोग सही भरे, कुछ लोग बहुत लोग गलत कर दिए, लेकिन देखिए ये आपको हम बता रहे कैसे भरना है, इसके बाद गलत नहीं करना है, हमने बिना बताए आपको दिए थे भरने के लिए। हो सकता है पहले से नहीं भरे, पहले से कोई नहीं भरे होंगे, पहले से भरे थे आप लोग, पहले से भरे फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं, ये इसका मतलब है कि लगभग लोग गलत कर रहे हैं।
तो ये आपको दसवीं क्लास में ये जो पेपर आप रहेगा, ये मॉडल सेट आपके जब आएगा या फिर आपको प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसमें साथ ही ये रहता है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आपको क्या करेगा, सिंपल से ये डाउनलोड कर लीजिएगा, हम बताएंगे कहाँ से रहेगा, सेम आपको डाउनलोड हो जाएगा, वहां से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, या आपको मोबाइल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको निकालिए, और निकालने के बाद उसको प्रिंट आउट कहीं से करवा लीजिए, साइबर से जहाँ पर प्रिंटर होगा, और वहां से आप उसको प्रैक्टिस करिए। बाकी आपको लोग हम देंगे, आप लोग को प्रैक्टिस देंगे, जितना मॉडल सेट आपको हल करवा रहे सब ये आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 10 को आपको सेट देंगे और 200 में आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो आपका एक में, अब तो एक इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए, इसके बाद गलत होगा नहीं होगा, लेकिन इसका हम देखिए पहले समझाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपने भरे रोल नंबर है, आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ देख सकते ना, तो यहाँ से आपका रोल नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का रोल नंबर है, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट का रोल नंबर की बात करते हैं, तो किसी सेंटर का अगर बात करते हैं रोल नंबर है, तो अपने इंस्टीट्यूट का रोल नंबर कितना है आप बताइए, किसी कोई बताइए, आपके स्कूल का रहता है तो बहुत 20 लाख 25 लाख 21 लाख करके ऐसे जाता है। तो मान लीजिए किसी का अगर देखते हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट का देखते हैं या फिर किसी का देखते हैं, तो इसमें मान लीजिए कि मेरे पास रोल नंबर है जैसे 21 लाख 22 लाख होगा, तो 22 यहाँ पर डाल दें, मान लीजिए यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, और कुछ भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए 200 यहाँ पर या 210 है, ये मेरे पास हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका 2200 जहां जहां भरे हैं उसके सामने देखेंगे। तो देखिए आपका ये स्टार्ट होता है, एक एक है, दो है, तीन चार, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इधर भी ब्लैक से भी है आपको दिखाई देता होगा, तो इधर दो है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो को भरेंगे। देखिए दो इसमें देखेंगे एक से, यानी 09, 1 2 3 4 5 दिया ना, 0 तक आपका है, ये 9 है, 9 के बाद आपका 0, इधर भी आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा था, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि एक है, ये दो लाइन है, 3 4 5 6 7 8 9 आपका 0, यानी इसका लाइनिंग है, लाइनिंग यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले दो का बात करते हैं, यहाँ पर दो है तो दो को भरेंगे, जाइए वहां पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दो भरेंगे। अब दो किस तरह से भरेंगे, तो दो का लाइन इसमें देखेंगे, दो वाला है लाइन इस पे, अब दो देखिए इसे भरेंगे, क्या करेंगे इसको दो, आपको प्रयास करिए कोठा से बाहर नहीं जाना चाहिए, जो मेरे पास बॉक्स है बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे समझा आप लोगों, ये बॉक्स है, देखिए दो हो गया ना, अब फिर देखिए इस लाइन में दो कहां पर है, इस लाइन में दो कहां पर है, तो यहां पर दो है ना, यहाँ पर इसी के बगल में है, तो क्या करेंगे इसको भी खोबने से गोल करेंगे, और जब तक उसको बाहर नहीं करेंगे, अब एक बार उसको गोल करते मत रहिएगा 3 घंटा तक, अरे तो बाहर वो फट भी सकता है, समझा रहे ना आप लोग। अब देखिए अब जीरो है, अब इस लाइन में जीरो खोजिए, देखिए सबसे नीचे जीरो है, इस लाइन में आइएगा, ध्यान रखिएगा, आप ऐसे करके आ जाइएगा लाइन से जैसा आपको आना है, आपको ध्यान रखिएगा और वहीं पर ध्यान रहना चाहिए। ये जीरो को क्या करेंगे हम लोग भरेंगे, अरे समझ में ना, जीरो को भरेंगे, फिर अब देखिए ये जीरो फिर है, इसको भी भरेंगे, फिर ये भी जीरो है इसको भी भरेंगे, फिर ये भी जीरो है इसको भी भरेंगे, समझा रहे ना। अब ये दो है तो दो देखिए, एक दो है ना, दो है इसको भरेंगे, फिर एक वालों को भरेंगे, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे जीरो, ये ना आपका जीरो है। तो इसको हम लोग गाढ़े करेंगे, प्रगट करेंगे तो खूब बढ़िया से करेंगे, कोठा से बाहर नहीं जाना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से आप काटिएगा मत, गलत हो जाएगा, तो ऐसे भी नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं करेगा, सही आपका कौन होगा जो 100% आपको मार्क्स होगा, अरे सुना 100% उसको मार्क करिएगा वही आपका सही होगा, अरे समझ में नहीं आ रहे। तो हमको लग रहा है कि लगभग आपको अब भरने आ जाएगा, तो कभी भी आपको रोल नंबर आएगा तो रोल नंबर डाल दीजिएगा, आपके स्कूल में रोल नंबर मिलेगा, स्कूल का एडमिट कार्ड रोल नंबर रहता है ना, सबको पता होगा, ये रोल नंबर को डालेंगे, जैसे प्रघाट करना यहाँ पर देखिए दो है तो दो, जैसे किसी का 3 है 4 है 5 है 10 कुछ भी अगर रोल नंबर जो भी हो, 22 लाख 21 लाख से 23 लाख 24 लाख 25 लाख कुछ भी आ सकता है, जैसे तो यहाँ पर दो वाला भरेंगे, दो का दो है इसमें, 0 का 0, समझा रहे ना। तो जैसे यहाँ पर अगर 5 रहता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये किसी का रोल नंबर 210 नहीं, यहाँ पर 550 है किसी का रोल नंबर, तब क्या भरेंगे, किसी का अगर 550 होगा तब क्या भरेंगे यहाँ पर, तो सिंपल सा देखेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, ये 5 वाले लाइन को देखेंगे, 1 2 3 4 5, देखिए 5 नंबर पर है यहाँ पर, इसके सामने यहाँ पर आएंगे, ये 5 नंबर है आपका, फिर 5 यहीं पर है, 0 सबसे नीचे आपका, अरे समझ में ना। तो इस तरीके से हमने रोल नंबर भरना सीख ले, बोलिए अरे समझ में आप लोगों, अब गलत नहीं होगा, आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए, प्रयास रहेगा कि गलत नहीं होना चाहिए। देखिए जब तक आप गलत नहीं करेगा तब तक सही नहीं हो सकता, इसलिए आपको गलत करना पड़ेगा, लेकिन फाइनल में जाके गलत मत करेगा, वहां पर जाके गलत ही करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर आपको व्हाइटनर से मिटाने का प्रयास मत करेगा, ब्लेड से बहुत लोग देखते हैं कि करता है उसको प्रयास मत करेगा, या काट दीजिएगा कि दूसरा भरेंगे, नहीं तो कुछ गलत हो जाता है तो बच्चे अपसेंट हो जाता है कि ये गलत हो गया, तो खैर उसके लिए तो आप गलती करें तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास रहे कि सही करें, आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम सही के लिए ना पढ़े, गलत के लिए कौन पढ़ रहे हैं, तो ये तो भरने लगभग आगे ना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, टेस्ट आईडी जो होगा उसका आईडी रहता है, तो मान लीजिए कि वहां पर आपका रहेगा उसमें आपका कोड रहेगा, तो उसका कोड भर दीजिएगा, उसमें आपको कोड मिलता है, जो पेपर मिलेगा ना उसका कोड रहता है 3 अक्षर का, उसको आप लोग डाल दीजिएगा। जैसे आपने हम दिए मॉडल नंबर आपको सेट हॉल करवा रहे हैं 4, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिए 4 00 हमने डाल दिए 4, तो प्रयास करें कि बाहर नहीं जाएगा, इसी में लिखेंगे, तो ये टेस्ट आईडी हमारा है 004 है, तो हमने क्या भर दिया यहाँ पर 4, इसमें भरेंगे 0, ये 0 है ना,
ये भी जीरो है, चार, एक दो तीन चार, यहाँ पर चार को भर देंगे। अब इतना नहीं भरेंगे, पूरा प्रगाड करेंगे उसको, पूरा इस तरह से क्या करेंगे उसको भरेंगे। आ रहा समझ में ना, हमको बॉक्स से बाहर नहीं जाना है, इसको प्रैक्टिस करना है कि बॉक्स से बाहर न जाए, बॉक्स के अंदर ही रहे। यहाँ पर हो गया, इसको जीरो भरेंगे, इसको भी भर देंगे, लगभग समझ आ गया। टेस्ट आड़ी है मेरा मॉडल सेट आपका है, यहाँ पर चार नंबर हॉल करवा रहे हैं इसलिए जीरो जीरो यहाँ पर चार भरे, आपका वहां पर सेट कोड रहेगा, सेट कोड ही आपको डालना है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है तो यहाँ पर नाम तो सबको भरने आ जाएगा, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले बॉक्स इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे आप नेम लिखा हुआ है देखिए इंग्लिश में, तो प्रयास करिए इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मोहित है, तो यहाँ पर हमने क्या डाले, मोहित यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर उसका बैस है, तो हमने बैस के अपने डाल दिए, और वहां पर आपका रहेगा स्कूल का नाम, जो भी रहेगा आपको सब लिखा रहेगा करेक्ट, वहां पर डालना है। मोबाइल नंबर है और टेस्ट का वहां पर डेट है, हमने यहाँ पर डाल दिए। तो ये हाँ कैपिटल में लिखेगा, स्मॉल में भी लिखेगा, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन देखिए स्मॉल में ही लिखा होता है, स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन जितने फॉर्म भरा जाता है सब कैपिटल में ही भरा जाता है, जितने फॉर्म भरा जाता है लगभग कैपिटल में और ब्लैक लेटर से ही भरा जाता है और ब्लैक पेन से ही भरा जाता है। प्रयास करिएगा, लेकिन आप छोटा में भी लिखेगा तो कोई गलत नहीं होगा, आप छोटा में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जैसे साइन करते वैसे मत लिखेगा, साइन जैसे करते वैसे नहीं। बड़ा लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि बड़ा लिखेगा तो साइन जैसा नहीं ना होता है, बड़ा लिखेगा तो सबको समझ आ जाएगा बड़ा लेटर, और छोटा में ऐसे ऐसे भाग, जैसे ये हमने लिखे हैं, ये लिखे हैं तो भाग दिए हमने, तो उस तरीके से नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है कि उसको समझ में आ जाना चाहिए। तो बड़ा में ही लिखेगा, प्रयास करिएगा बड़ा में ही होना चाहिए। आ रहा समझ में कि नहीं, बोलिए, लगभग समझ में आता होगा, डाउट नहीं ना किसी को। ये तो भरने में आ जाएगा, यहाँ पर अपना साइन कर देना है, क्या करना है अब इसके बाद, यहाँ पर आपका साइन कर, जैसे किसी का नाम है यहाँ पर साइन करते हैं, साइन कर दीजिएगा। यहाँ पर इन्विजिलेटर का आता है साइन करने के लिए, तो आप यहाँ पर आपका जो इन्विजिलेटर हो वो आप मत बनिएगा, यानी जो आपके उसमें एग्जामिनर होते हैं ना, जो आपके एग्जाम लेते हैं, जो जांच में रहते हैं, वो अपना यहाँ पर साइन करेंगे, तो आपको इस पे साइन नहीं करना है, यहीं पर कैंडिडेट साइन है ना, यहीं पर आपको साइन करना है। अरे समझ में ना, तो साइन आपको यही जगह करना है, समझ में आ गया आपको। चलिए तो ये लगभग आपको भरने आ जाएगा, अब आप गलत नहीं करेंगे, बोले डाउट है किसी को। अब क्वेश्चन नंबर आपको बात करते हैं कि नंबर एक मिल गया, जैसे क्वेश्चन आपका है कि एक नंबर क्वेश्चन आपका है, जैसे सेट में है, दिखाइए सेट में क्वेश्चन नंबर एक है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो एक नंबर क्वेश्चन आ गया आपके पास, ऑप्शन एक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन यहां पर एक का है और एक का आंसर हमको मिल गया एक बी सी, एक का एक माने ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, तो मेरे पास मान लीजिए कि एक का बी ऑप्शन है अगर, तो हम क्या करेंगे बी को इसको भरेंगे, ऐसे करके छोड़ नहीं देंगे, पहले एक बार आप टिक लगा लीजिएगा जहां भरना होगा कि आपको ध्यान रहेगा, और तब उसको आराम से इसको भरिएगा, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाई दुबे हो सकता है कि एक का आंसर ए आपको पता चले, एक का आंसर ए है, एक का आंसर ए है, बी गलती से भरा गया है, तो आप गलती कर चुके हैं, आप कहिएगा उसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं और यहां पर भर देते हैं, ये तो गलती है, ऑलरेडी आपने गलती कर चुके हैं, फिर आप गलती दोबारा करें, इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, समझ आ गया ना। अब ये नहीं है कि आपने, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा 40 को बनाना है, तो ये गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 41 को बना देते हैं वो आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अरे समझ में ना, आप सोचेंगे कि चलिए एक आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा ना, 80 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बनाना कितना है 40 बनाना है, अब 40 बनाना है तो आप सोचिएगा कि चलिए एक क्वेश्चन तो ये गलत हो गया, मान लीजिए कि भर दिए हमने गलती से, तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरा एक 41 बना देते हैं कि गलत वाला तो गलत हो जाएगा, सही नहीं, आपको 40 ही बनाना है, जो भी बनाइए 40 को बनाना है, मात्र 41 बनाइएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अब कौन सही कौन गलत तो ऊपर से ही काउंटिंग होगा। अरे समझना, इसलिए आप पूरे गिन के कितना बनाना है 40 क्वेश्चन ही बनाना है, अभी ना कि 51 को 52 को 53 को बना दिया, जो सही बात चुन लिया, नहीं 40 को मात्र चुना जाएगा। हाँ ये भी है कि अब सोचिएगा कि लाइन से बनाना पड़ेगा, नहीं लाइन से नहीं, इसमें एक और गलती होता है, एक इसमें से और गलती होता है कि भाई दुबे किसी का क्वेश्चन एक दो चार नंबर याद नहीं है, और उसको डायरेक्ट याद है कितना, मान लीजिए 60 नंबर उसको याद है, 60 नंबर है, बाकी सब बनाए हैं और 60 नंबर है, तो 60 नंबर वो भरेगा, जरूरी नहीं है कि जो एक नंबर है वही भरेगा, जरूरी उसको ये नहीं है कि एक नंबर अगर याद है तो एक ही नंबर भरेगा, जैसे मान लीजिए एक नंबर उसको नहीं पता है, एक नंबर नहीं पता है तो दो भरेगा ना, तीन नहीं पता है, चार नहीं पता है, छह, पांच नहीं पता है, छह पता होगा, सात पता होगा, आठ होगा, चाहे आपको 16, 17, 18 इधर से पता है, कुछ भी तो पता होगा ना उसको, तो इस तरीका से आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 नहीं मिल रहा है, 6 अगर मिल गया, 7 अगर मान लीजिए आपसे बन जा रहा है, 8 बन जा रहा है, 9 बन जा रहा है, 10 बन जा रहा है, यानी 40 को मात्र क्वेश्चन को बनाना है, कितना बनाना है मात्र 40 क्वेश्चन को बनाना है, और आप चाहिएगा तो 40 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, आप चाहिएगा तो 40 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आराम से बना सकते हैं, बस अर्थ ध्यान रखना है कि आपको 80 क्वेश्चन है ऑप्शनल है, 80 क्वेश्चन में से कौन को बनाना है, मात्र 40 को बनाना है, और 40 को भी इनका आराम से बना सकते हैं, और 80 का 80 आपको याद होना चाहिए, तो हम लोग एक सेट हल करते हैं इसमें देखेंगे, तो जो आपके पास वहां पर सीट मिलेगा ओमर सीट जो अभी दिखाए ना आपको ओमर सीट, इसी पर क्या करना है आपको भरना है, तो अब इस पर आप भरिएगा, देखिए ये भरे हुए हैं ना आपका,
इसी पर क्या करना है आपको, भरना है। तो अब आपके कितने मिलेगा, यहाँ पर चार विकल्प, देखिए चार विकल्प दिया है ना, और चारों में से एक को भरना है, कौन को भरना है, एक को मात्र।